Hello students, I hope you are fine. In last lecture, we have discussed the congruence of plane figures and line segment. Now today, we are going to discuss about congruence of angles and triangles. So first, we will know congruence of angle. So students, what is congruence of angle? If two angles have the same measure, they are congruent. अगर two angles के measurement same हो, तो वो angle क्या होते हैं? Congruent. Means, अगर एक angle 90 degree का है, तो दूसरा angle भी 90 degree का होगा. Also, if two angles are congruent, their measures are same. अगर two angles congruent हैं, तो उनके मेजर्स क्या होंगे? सेम. मींस अगर सेम एंगल्स है तो एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो सेम मेजरमेंट के होंगे. एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पर जैसे फिगर ड्रॉ किया गया है, ये एंगल एबीसी बनाया गया है, दैट इज 40 डिग्री. एंगल पीक्यूआर, दैट इज 40 डिग्री. एंगल एलएमएन, दैट इज 30 डिग्री. एंड एंगल एक्सवाईजेड, दैट इज 40 डिग्री. अगर आप एंगल ए बी सी का ट्रेस कॉपी एंगल पी क्यू आर पर सुपरपोज करोगे तो ये कम्प्लीटली फिट हो जाएगा. मीन्स ये एंगल बी इस पर फिट हो जाएगा. अब यहाँ पर बात करें कि आर्म की, कि बी सी जो आर्म है ये छोटी है, क्यू आर आर्म है ये बड़ी है, तो हमको आर्म से या रे से या लाइन सेगमेंट से कोई मतलब नहीं. यहाँ पर हमको एंगल दिखाना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो हम सिर्फ एंगल का मेजरमेंट देखेंगे. ये एंगल यहाँ पर ये सुपरपोज होने चाहिए, साइड या रे नहीं. तो ये एंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, तो हम कह सकते हैं सो एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर. अब थर्ड एंड फोर्थ में देखिए, एल एम एन ये 30 डिग्री का है, एक्स वाई जेड ये 40 डिग्री का है, क्या दोनों इक्वल है? एंगल एल एम एन इज नॉट इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड, दोनों इक्वल नहीं है. इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. एंगल एल एम एन इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. अब इन चारों पिक्चर में देखें तो ए बी सी 40 डिग्री है, पी क्यू आर 40 डिग्री है, और एक्स वाई जेड 40 डिग्री है. एल एम एन एंगल जो है ये 40 डिग्री नहीं है. मीन्स अगर हम इस फिगर को छोड़ दें तो बचे हुए थ्री फिगर्स जो हैं आपके, इसका एंगल का मेजरमेंट कितना है? 40 डिग्री. तो हम ये भी कह सकते हैं हियर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड, तीनों ही आपस में इक्वल हैं, तो तीनों ही क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट. मीन्स एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स. Two triangles are congruent if they are copy of each other. आपको पता है कोई भी फिगर अगर एक दूसरे की कॉपी होता है तो वो congruent होता है. यहाँ पर हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो अगर टू ट्राइंगल एक दूसरे की जीरोक्स कॉपी है, सेम है, सेम शेप एंड सेम साइज की है, तो वो क्या होंगे? congruent. एंड when superposed, दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली, और वो जब सुपरपोज किए जाएंगे तो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर अप कर लेंगे, एक दूसरे पर फिट हो जाएंगे. देखिए यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी बना है, ट्राइंगल पी क्यू आर बना है. अगर आप ए बी सी को पी क्यू आर पर सुपरपोज करोगे तो वो एक दूसरे पर फिट हो जाएंगे, एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे. इसका मतलब अगर आप ए बी सी को पी क्यू आर पर रखोगे तो वर्टेक्स ए वर्टेक्स पी को कवर करेगा, वर्टेक्स बी वर्टेक्स क्यू को कवर करेगा, वर्टेक्स सी वर्टेक्स आर को कवर करेगा, ठीक है. तो यहाँ पर जो पॉइंट
जो वर्टेक्स, जो साइड, जो एंगल एक दूसरे पर फिट हो रहा है वो उसका करेस्पॉन्डिंग होगा। मीन्स वर्टेक्स ए अगर पी पर फिट हो रहा है तो ए का करेस्पॉन्डिंग क्या होगा? पी। अगर वर्टेक्स बी वर्टेक्स क्यू पर फिट हो रहा है तो बी का करेस्पॉन्डिंग क्या होगा? क्यू। अगर वर्टेक्स सी वर्टेक्स आर पर फिट हो रहा है तो उसका करेस्पॉन्डिंग क्या होगा? आर। तो स्टूडेंट्स अगर ए और पी ये करेस्पॉन्डिंग वर्टेसेस हैं तो हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टेक्स ए करेस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स पी। ये हम वर्टेसेस की बात कर रहे हैं। अब ए का करेस्पॉन्डिंग पी है, बी का करेस्पॉन्डिंग क्या है? क्यू। सी का करेस्पॉन्डिंग क्या है? आर। करेस्पॉन्डिंग साइड की बात करें तो ए बी साइड किस पर फिट होगी? पी क्यू पर, ए बी एंड पी क्यू। इसी तरह से बी सी एंड क्यू आर, ए सी एंड पी आर, करेस्पॉन्डिंग साइड हमको रिप्रेजेंट करनी है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी साइड करेस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, बी सी करेस्पॉन्डिंग टू क्यू आर, ए सी करेस्पॉन्डिंग टू पी आर। ये साइन रिप्रेजेंट करता है करेस्पॉन्डिंग का। अब एंगल की बात करें तो एंगल ए का करेस्पॉन्डिंग क्या है? एंगल पी, क्योंकि वर्टेक्स ए पी पर लाई कर रहा है तो एंगल ए एंगल पी पर लाई करेगा। तो एंगल ए एंड एंगल पी मीन्स एंगल ए करेस्पॉन्डिंग टू एंगल पी, एंगल बी करेस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू, एंगल सी करेस्पॉन्डिंग टू एंगल आर। अगर आपको कंडीशन ऐसे दी जाती, ट्रायंगल नहीं ड्रॉ किया जाता, सिर्फ इतना ही दे दिया जाता कि ए बी सी करेस्पॉन्डिंग टू पी क्यू आर, इसका मतलब ए पी पर टच करेगा, बी क्यू पर टच करेगा और सी आर पर टच करेगा। ए बी साइड पी क्यू को टच करेगी, बी सी साइड क्यू आर को टच करेगी और ए सी साइड पी आर को टच करेगी। इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीन्स इससे हमको ट्रायंगल का सीक्वेंस पता चलता है कि ट्रायंगल किस तरह से कॉन्ग्रुएंट है। एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। बोला गया है ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द करेस्पोंडेंस एबीसी करेस्पोंडेंस आर क्यूपी। देखिए ट्रायंगल एबीसी लिखा है, पीक्यूआर लिखा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो करेस्पॉन्डिंग कंडीशन दी गई है वो एबीसी तो है लेकिन पी क्यू आर की जगह क्या लिखा है? आर क्यू पी। ये लेटर्स को चेंज किया गया, इसका मतलब कि ए बी सी करेस्पॉन्डिंग आर क्यू पी में अगर आप ट्राइंगल ड्रॉ करोगे तो ए पॉइंट टच करेगा आर को, बी पॉइंट टच करेगा क्यू को, सी पॉइंट टच करेगा पी को। इस तरह से आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है। अब ये ट्रायंगल जैसे यहाँ पर ड्रॉ किया गया है तो ए टच करेगा आर को, आर कहां पर है? ये। बी टच करेगा क्यू को और सी टच करेगा पी को। ट्रायंगल पी क्यू आर जो यहाँ पर ड्रॉ है उसको हमको रोटेट करना होगा। अब हमको इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल और करेस्पॉन्डिंग साइड अगर लिखनी है और अगर हमको फिगर दिया जाए या ना दिया जाए उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये कंडीशन अगर दी गई है तो इसकी हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स देख ले। अगर वर्टेक्स ए वर्टेक्स आर पर टच कर रहा है तो एंगल ए किसको टच करेगा? एंगल आर को। देखिए यहाँ पर ए ले रहे हैं पहले तो यहाँ पर पहले क्या है? आर। इसी तरह से यहाँ पर बी ले रहे हैं तो यहाँ पर पहले क्या है? क्यू। यहाँ पर सी ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या है? पी। तो यहाँ पर लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या हो जाएगा? एंगल ए करेस्पॉन्डिंग टू एंगल आर, एंगल बी करेस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू, एंगल सी करेस्पॉन्डिंग टू एंगल पी। ये करेस्पॉन्डिंग कंडीशन निकल आई सिर्फ एंगल्स के लिए। इसी तरह से हम करेस्पॉन्डिंग साइड लिख लेते हैं। देखिए साइड की बात करें तो ए बी सी करेस्पॉन्डिंग दिया गया है आर क्यू पी के। सबसे पहले ए बी लिया, यहां से ए बी लिया तो यहां से क्या लिया? आर क्यू। मीन्स ए बी का करेस्पॉन्डिंग क्या होगा? आर क्यू। फिर हमने बी सी लिया, यहां पर क्या लेंगे? क्यू पी। एक सीक्वेंस में ही इसको रिप्रेजेंट करना है, बी सी करेस्पॉन्डिंग टू
क्यूपी। अब क्या बचा, ए और सी का पेयर बचा। ए और सी यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या लेंगे, आर एंड पी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए सी करेस्पॉन्डिंग टू आर पी। ओके, ये हमने करेस्पॉन्डिंग एंगल और करेस्पॉन्डिंग साइड के कंडीशंस लिख ली। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट करेस्पॉन्ड टू एंगल पी, एंगल क्यू एंड आर पी। देखिए एंगल पी का करेस्पॉन्ड, अभी आपने ये एंगल की बात करा तो आपने करेस्पॉन्डिंग एंगल के सारे पेयर लिखे हैं। एंगल पी कहाँ पर है, ये एंगल पी का करेस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल सी, मीन्स एंगल पी करेस्पॉन्डिंग टू एंगल सी। इसी तरह से एंगल क्यू का करेस्पॉन्डिंग कहाँ है, ये किसका करेस्पॉन्ड है एंगल क्यू, एंगल बी का, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल क्यू करेस्पॉन्डिंग टू एंगल बी। आरपी, अब आरपी कहाँ लिखा हुआ है, ये साइड की बात कर रहा है तो साइड्स में आएंगे। आरपी, आरपी का करेस्पॉन्डिंग क्या है, एसी, यहाँ पर लिखेंगे आरपी करेस्पॉन्डिंग टू एसी। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपको फिगर की हेल्प से बताना है तो भी आपको इसी सीक्वेंस में ही लेना पड़ेगा कि एबीसी और आर क्यू पी। नाउ स्टूडेंट्स, वी नो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स, देन आफ्टर यू विल सॉल्व द एग्जांपल एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस क्लास वर्क, देन आफ्टर यू विल मैच योर आंसर विच आर गिवेन हियर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।